गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर। इस टॉपिक में अपन वर्क और एनर्जी और पावर के बारे में स्टडी करेंगे। पावर के बारे में कुछ अपन ने प्रीवियस चैप्टर चैप्टर नंबर 10 में भी देखा था, ठीक है। अब इस चैप्टर में वर्क और एनर्जी स्टडी करेंगे। सबसे पहले वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स एक्शन ऑन द बॉडी प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड कॉल्ड वर्क। वर्क का मीन्स है कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स अप्लाई किया जाता है और फोर्स अप्लाई करने पे वो क्या हो जाता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई करने से उसकी पोजिशन चेंज होती है, वो ए पोजिशन से बी पोजिशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इसके बिटवीन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, वर्क, ठीक है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो वर्क का फॉर्मूला है W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को S से इंडिकेट करते हैं, फोर्स को F से, वर्क को W से। तो फॉर्मूला हो गया W बराबर Fs। इसकी यूनिट होती है जूल, इसको शॉर्ट में जे से कंसिडर करते हैं। अब देखिए कुछ वर्क की कंडीशन होती है, कब फोर्स अलग अलग कंडीशन होती है कि फोर्स अप्लाई किया जाता है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, एक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, एक थीटा एंगल के जरिए डिस्प्लेसमेंट होता है, एक हाइट के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कुछ कंडीशन के थ्रू वर्क के फॉर्मूला अलग अलग होते हैं। तो नॉर्मली अपन W बराबर Fs ही यूज करेंगे। जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, किस सक्रिय ब्लॉक उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो किधर हो रही है, फोर्स की साइड में ही हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन देखें अपन बी। जब ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, जैसे ट्रॉली बैग होता है, ट्रॉली बैग पे अपन ऊपर की साइड में फोर्स लगाते हैं, हैंडल की साइड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन क्या होता है, एक थीटा एंगल होता है जिसको कोस थीटा कहते हैं। कौन सा, कोस थीटा। तो फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा W बराबर एफ एस कोस थीटा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा एंगल, और वो थीटा कौन सा है, कोस थीटा। क्लियर है, W बराबर एफ एस कोस थीटा। नेक्स्ट है वर्क के, वर्क का फॉर्मूला जिसमें फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए आप गाड़ी है या अपन भी चलते हैं, रॉकेट होता है, वो भी क्या होता है, गाड़ी है, जैसे फोर्स तो पीछे की साइड में लगाती है, डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड में होता है, ठीक है। इसको कंडीशन को अपन नॉर्मली, जैसे गाड़ी है मडी वाटर में फंस जाती है, तो आप देखते हैं गाड़ी का व्हील जब घूमता है, रोटेट होता है, तो पीछे की साइड में कीचड़ उछलता है पीछे, क्योंकि जो कि प्रूव करता है कि फोर्स हमेशा बैक साइड में लगता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट आगे की साइड में होता है। तो फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर माइनस एफ एस, और ये माइनस एफ एस कैसे हुआ, देखिए फोर्स और S के बिटवीन जो एंगल जनरेट हो रहा है वो 180 डिग्री का हो रहा है, ठीक है, और ये 180 डिग्री कोस थीटा एंगल है, ठीक है। तो W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस 180, ठीक है, क्योंकि ये थीटा एंगल 180 डिग्री है, तो कोस थीटा जो एंगल है वो 180 राइट कर दिया, और कोस 180 की वैल्यू माइनस वन होती है, तो कोस 180 की जगह माइनस वन राइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर माइनस एफ एस। क्लियर है, तो फोर्स की साइड में डिस्प्लेसमेंट होता है तो W बराबर एफ एस, यहाँ वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती है, W बराबर माइनस एफ एस, और एक एंगल के थ्रू होती तो W बराबर एफ एस कोस थीटा। क्लियर है। अब मान लीजिए वर्क है, जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो यहाँ जीरो डिस्प्लेसमेंट, कहने का मीन्स है वर्क की वैल्यू भी जीरो होगी। क्यों, W बराबर एफ एस और एस जीरो है, तो किसी भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आता है, तो W की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ कोई भी वर्क नहीं किया गया क्योंकि इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया जा रहा है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये एज इट इज पहले वाली पोजीशन में ही है, मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसको अपन थ्योरी के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क्स व्हेन फोर्स इट एन एंगल थीटा विथ डिस्प्लेसमेंट। वो ट्रॉली वाला कि ट्रॉली में आप देख रहे हैं, ट्रॉली में जो फोर्स तो अपवर्ड लग रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, दोनों फोर्स और
डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन क्या एक थीटा एंगल है, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ एस कोस थीटा, क्या होगी, एफ एस कोस थीटा, ये अपन कर चुके हैं। वर्क इज वैल्यू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ एस, क्योंकि अपन ने फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, ठीक है, और फोर्स इधर लगाया एस, जो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, और फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, और फोर्स तो आपके ब्लॉक पे आपने आगे की साइड में लगाया, डिस्प्लेसमेंट बैक साइड में हो रहा है, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू माइनस एफ एस होगी, क्योंकि अपन ने ये एग्जांपल अभी अभी करा गाड़ी वाला, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन 180 डिग्री एंगल होता है, और ये डिग्री एंगल है थीटा एंगल कोस 180, और इसकी वैल्यू माइनस वन होती, इस वजह से डब्ल्यू बराबर माइनस एफ एस, यहाँ वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती जब फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट है, एक लास्ट कंडीशन है, इफ द सम वेव व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास फॉल डाउन फ्रॉम ए हाइट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, उसको फ्रीली रिलीव किया जा रहा है, तो देखिए फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ एस के फॉर्म में ना होके हाइट के फॉर्म में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ क्या कहेंगे, एच कहेंगे। तो अपन देख रहे हैं वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू बराबर एफ एस, और एफ की वैल्यू अपन ने नाइन्थ में पढ़ी थी, एफ बराबर क्या होता है, एम जी होता है, ठीक है, तो एफ की जगह एम जी राइट कर दे, क्योंकि एम जी का मीन्स है ये तो मास हो गया, इस बॉल का क्या हो गया, मास हो गया, और ये ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये एफ बराबर एम जी राइट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो यहाँ एच के फॉर्म में, हाइट के फॉर्म में, तो एस की जगह एच राइट कर देंगे, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम जी एच, क्लियर है। तो ये कुछ वर्क की कंडीशंस थी, जिस पे वर्क डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग अपन ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला देखे। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन एनर्जी के बारे में देखेंगे कि जो वर्क करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है, उसमें कुछ एनर्जी के टाइप्स स्टडी करेंगे, मेन जो टाइप आपके दे रखा है मैकेनिकल एनर्जी, जिसको अपन ने एट्थ में देखा था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी, और इसके फॉर्मूलाज को अपन प्रूव करेंगे, और ये अपन एट्थ में भी कर चुके हैं और अभी भी करेंगे, ये अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।